हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक झींगा मछली के साथ मिक्स वेज रेसिपी। ये अनोखी रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, एक न्यू रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए झींगा मछली को पहले मैरिनेट करके फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिया है चचिंडा, जो स्नेक गट बोलते हैं, उसको कट कर लिया है। और यहाँ पे लिया है बैगन, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सीताफल भी लिया है, पम्पकिन और पोटैटो कट कर लिया है। तो ये चार सब्जी मैंने ऐसे छोटे छोटे में कट कर लिया है। यहाँ पे झींगा मछली हमारा फ्राई हो गई है। तो इसी ऑयल पे पहले डाल देना है जीरा, तेज़पत्ता और सूखा मिर्च। और इसमें पहले मैं ऐड कर दूँगी एक छोटे साइज का प्याज। प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद ऐड कर देना है टमाटर। एक छोटा साइज का टमाटर मैंने ऐड किया है। यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। तो अच्छे से मिला देना है सबको और अच्छे से फ्राई करनी है। थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद मसाला ऐड करेंगे। तो इस पोजीशन पे अब मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ऐड करेंगे थोड़ा सा भेज मसाला। आप घर में बना के रख सकते हो, वो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी, इन सबको अच्छे से मिला देना है। अच्छे से मसाला फ्राई हो जाए उसके बाद ही जो हमारा वेजिटेबल्स कट करके रखा है उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए अब मैंने वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये नया रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। आप लोग चाहे तो झींगा मछली, जो लोग नहीं खाते हो तो झींगा मछली के बिना भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारा वेजिटेबल्स ऐड कर दिया और मसाला के साथ अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला देना है। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च, कट करके ऐड कर दिया है मैंने। अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला देना है। गैस की फ्लेम हमारा मीडियम पे है। हल्का सा पानी ऐड कर देते हैं कि अच्छे से मसाला सब में मिक्स हो जाए। अब झींगा मछली को भी ऐड कर देंगे और इसको ढक देना है। कुछ देर बाद देखिए इसको थोड़ा सा चला देना होती है। धीरे धीरे करके अपने आप ही ये सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। फिर से ढक देना है, 5-7 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। ये देखिए ये नरम हो गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है सब्जी बनने में। और गर्मी में ऐसे सब्जी आप लोग बना के ट्राई करना, ये बहुत ही हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। चावल, रोटी, पराठा, किसी के साथ भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखिए इसमें से जो पानी है, आप इसको थोड़ा कम होने के लिए वेट करना है। गैस की फ्लेम मेरा लो पे ही है अभी। अब इसको नरम हो गई है सारा सब्जी मेरा, तो इसको हाई फ्लेम पे देके इसको जस्ट सुखा लेना है। 3-4 मिनट बाद देखिए मेरी ये सब्जी पूरा बन के रेडी हो गई है। तो फाइनल लुक, आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।